हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है समस्या समाधान विधि के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। जैसा कि हम जानते हैं, समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसमें टीचर्स जो हैं एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये बच्चों के समक्ष एक समस्या रखते हैं और उसके बाद उस समस्या के विभिन्न चरणों को बच्चों को समझाते हैं, यानी समस्या कहाँ से उत्पन्न हुआ, समस्या के क्या क्या निष्कर्ष हो सकते हैं, क्या क्या हल हो सकते हैं, उससे संबंधित विभिन्न तथ्य कलेक्ट करना यानी डाटा कलेक्ट करना, और फिर उन तथ्यों के सहायता से उस समस्या का समाधान करना, जो उत्तर आए उसकी निष्कर्ष की जांच करना। तो ये सब प्रोसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में होता है। अब है कि जब ये सब प्रोसेस उत्पन्न होता है इस मेथड में, तो उससे क्या क्या मेरिट्स होते हैं, यानी क्या क्या बच्चों में क्वालिटीज़ उत्पन्न होते हैं। गणित को पढ़ाने के जो वैल्यूज़ हैं या जो मुख्य गुण हैं, उसमें सबसे पहला है, यह एक वैज्ञानिक विधि है। यानी हम बच्चों को गणित इसलिए भी पढ़ाते हैं ताकि उनमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति यानी साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो उत्पन्न हो। तो ये विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यह बिल्कुल वैज्ञानिक विधि है। यानी इसमें जो है बच्चों का ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड उत्पन्न होता है, जिसके कारण एक साइंटिफिक अप्रोच जो है उनके एटीट्यूड में परिवर्तन आता है। यानी बच्चे हर चीज़ को साइंटिफिकली सोचते हैं स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट है सक्रियता। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत निरंतर जो है गतिविधि यानी उस समस्या को समझने से लेकर के डाटा कलेक्शन करने से लेकर के आंसर क्रिएट करने तक उन्हें एक्टिव रहना पड़ता है, इसलिए वे सक्रिय रहते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता या आत्मनिर्भरता। सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में सारे स्टेप्स स्वयं करने के कारण बच्चों में एक आत्मनिर्भरता या कॉन्फिडेंस या इंडिपेंडेंस जो है ये फीलिंग उनमें उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है तार्किक अभिवृद्धि या तार्किक क्षमता उत्पन्न होना, लॉजिकल पावर जो है, जब बच्चे स्टेप बाय स्टेप कोई काम करते हैं तो इससे उनमें लॉजिकल रीजनिंग की जो क्षमता है वह उत्पन्न होती है। अब है शोध कार्य में रुचि। जैसे स्टेप बाय स्टेप वो हर चीज़ को फॉलो करते हैं, इससे क्या होता है उन्हें जो है शोध कार्यों में यानी साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि रिसर्च वर्क में इंटरेस्ट उत्पन्न होता है। किसी प्रॉब्लम को समझने से लेकर उस प्रॉब्लम से संबंधित विभिन्न तथ्य खोजना और फिर उन तथ्यों को हल करना, उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस लाना, ये सबसे होता क्या है कि वे रिसर्च वर्क में उनमें रुचि उत्पन्न होती है। अब आते हैं इसके डिमेरिट्स की तरफ यानी दोषों की तरफ। तो सबसे पहला दोष है कि बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। समस्या समाधान विधि के कारण बच्चों को एक्टिव रहना पड़ता है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, जिसके कारण अधिक से अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। धन है अनुशासनहीनता। जहाँ स्वतंत्रता का गुण आता है वहीं बच्चों में अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न होती है। यानी वो स्वतंत्र रहते हैं किसी कार्य को करने के लिए, जिससे डिसिप्लिन जो है वह खत्म हो जाता है। धन है रुचि में कमी। हो सकता है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, इसके कारण क्या होता है कभी कभी बच्चों का इस विषय में अरुचि उत्पन्न हो जाता है, यानी इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे घटने लगता है। तभी होता है जब प्रॉब्लम को टीचर सही से नहीं समझाते हैं या प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है, तब वो इंटरेस्ट खत्म होता है। और नेक्स्ट है कि समय की अधिकता, यानी समय बहुत अधिक इस विधि में खर्च होता है। प्रॉब्लम को समझना, समझाना, उसके बाद उससे रिलेटेड डाटा कलेक्शन करना और फिर निष्कर्ष की जांच करना, ये सब करने में समय जो है बहुत अधिक खर्च होता है। तो हम हर टॉपिक को इस विधि से नहीं पढ़ा सकते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने का एक समस्या उत्पन्न हो जाएगा। और दूसरी बात है कि छात्रों को भी बहुत अधिक टाइम लगेगा किसी एक टॉपिक को ही समझने में। तो ये थे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ओके, थैंक यू।